बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मैं आज आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। उसका नाम केएफसी स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे, 1/4 कप। रेड चिली पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 1/2 किलो चिकन ली है बोनलेस, वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पॉपकॉर्न की कोटिंग करने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे और इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1/2 कप। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे लाल कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम एक एक करके अपनी चिकन उठाएंगे और इसमें डालेंगे। ये देखें, मैंने अपने सारे चिकन कोट कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो बैटर हमने बनाया था उसमें अब हम 1 कप ठंडा पानी डालेंगे। जो हमने चिकन की कोटिंग की थी उसको हम इस पानी में डालेंगे। इसको इस मैदे में डालेंगे, ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। अगर आप लोग को फ्रीज करना है तो आप लोग इसी स्टेज पे इसे फ्रीज कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हमने जो चिकन कोट करी थी वो हम इसमें डाल देंगे। अभी इसमें चमचा भी नहीं चलाएंगे। इसमें चमचा चलाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है। ये फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, हमारी पॉपकॉर्न चिकन तैयार। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए और मज़ीद चीज़ें बनाऊँ अच्छी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।